भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष यशोदानंद वजीर की अगुवाई में द्रंग विधानसभा क्षेत्र की टांडू पंचायत का एक प्रतिनिधि मंडल एडीसी मंडी से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल ने मैगल को सदन में सुधार करने या फिर उसे बंद करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि जिला पशु अत्याचार निवारण समिति द्वारा मैगल में चलाए गए गौ सदन में पशुओं के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल के मुताबिक इस गौ सदन में हर सप्ताह दर्जनों की तादाद में नई गाय लाई जाती हैं, मगर यहां गाय का पंजीकरण 135 से 140 के करीब में ही दर्शाया जाता है। साथ ही इस प्रतिनिधि मंडल ने मृत्यु को दफनाने को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। प्रतिनिधि मंडल का आरोप है कि गौ सदन के समीप एक गड्ढा बनाया गया है जहां मृत गाय को खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे क्षेत्र में कई बीमारियां फैलने का अंदेशा हर समय बना रहता है। इस प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन से इस गौ सदन की जांच कर इसमें सुधार करने की मांग की है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष यशोदानंद वजीर ने एडीसी मंडी से गौ सदन का सुधार न होने की सूरत में जनहित में इसे बंद करने की मांग की है। सोलन के समीप स्लोगड़ा में एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई। कार में करीबन 5 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि कार काफी गहराई में भी गिरने के बाद उसमें सवार सभी लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं और सभी सुरक्षित हैं। मिली जानकारी के अनुसार कार में सवार महिला की एक दिन पहले ही शादी हुई थी और वे कसौली की ओर जा रहे थे और अचानक सामने से आई कार को बचाते हुए उनकी कार खाई में जा गिरी। कार जैसे ही खाई में गिरी वहां आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पलटी हुई कार को सीधा कर उसमें से सभी लोगों को बाहर निकाला और उन्हें निजी वाहन में ही अस्पताल पहुंचाया गया। निजी वाहन में इसलिए अस्पताल पहुंचाया गया क्योंकि 108 एम्बुलेंस को कई बार बुलाने पर भी वे मौके पर नहीं पहुंची। अधिक जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार में सवार 5 घायल सवारियों को निकाला गया। इस दौरान एम्बुलेंस को करीबन 10 बार फोन किया गया लेकिन वे मौके पर समय रहते नहीं पहुंची। घायलों को तबीयत खराब होने लगी थी इसलिए घायलों को निजी वाहनों से ही अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में विकास के बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं लेकिन हकीकत में एम्बुलेंस भी मौके पर नहीं मिल रही, जिसको लेकर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और व्यवस्थाओं को बदलना चाहिए। सोलन के कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने की। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी द्वारा देश के लिए किए गए बलिदान को याद किया। अधिक जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष शिव कुमार ब्लॉक अध्यक्ष सरदार सिंह ने बताया कि आज के दिन पंचायती राज के जननायक और विकास के मसीहा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे और देश के विकास में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत करने वाले नेता को आज सभी कार्यकर्ताओं ने याद किया और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी ली।